हर महादेव, जय माता दी एवरीवन। स्पेशली ये मेरा वीडियो जो है वो नवरात्र पर्व के लिए है। बहुत लोग क्वेश्चन आते थे मुझे कि कितने बजे कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी पूजा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है। और जनरली बहुत पहले से ही ये क्वेश्चन होता है कितने बजे घट स्थापना की जाती है, कौन सा मंत्र जप किया जाता है, कौन सी माला ली जाती है, कौन सा आसन लिया जाता है। ये जो आपके मन के डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मेरा थोड़ा बहुत ये प्रयास रहेगा ये वीडियो द्वारा। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब लोगों को ज्ञान मिले, ऐसी भावना से हम ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि डेट 10 अक्टूबर 2018 वेनसडे के दिन नवरात्र हमारा प्रारंभ हो रहा है। और नवरात्र की पहले सबसे पहले घट स्थापना का मुहूर्त होगा प्रातः काल सुबह 6:22 से लेकर 6:22 से लेकर 9:30 तक। ये जो पूरा घट स्थापना का मुहूर्त है उसमें पहले सबसे पहला जो मुहूर्त है वो है लाभ, और उसके बाद में आता है अमृत। लेकिन इन सबसे अधिक में अधिक बहुत ही सबसे अच्छे से अच्छा मुहूर्त मैं कहूँगा तो कहूँगा सुबह 6:22 से लेकर सुबह 7:25 का। ये जो 1 और 3 मिनट का जो मुहूर्त है वो सबसे बेस्ट है इसके लिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस जगह पर आप घट स्थापना करने वाले हो उस जगह को सबसे पहले पवित्र कर लीजिएगा। गौमूत्र और गोबर से उनका लिंपन करके उनको शुद्धिकरण करवा लीजिएगा। ये शुद्धिकरण होने के बाद में वहाँ पे घट की स्थापना होगी, और घट की स्थापना हमेशा लाल रंग के वस्त्र पे करिएगा। देवी को लाल रंग और गुलाबी रंग से ज़्यादा आकर्षण होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले यही निवेदन करूँगा कि लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र का उपयोग करिएगा। ये नवरात्र के दिनों में सबसे अधिक में अधिक और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होती है वो है हमारा घर का अखंड दीप। अखंड दीप जरूर करिएगा, या शुद्ध घी में, या तो राई के या सरसों के तेल से आपको अखंड दीप करना है। आपको एक आसन लेना है जो दर्भ का हो, यानी कुश का हो, और या दर्भ और कुश का आसन बैठने के लिए अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को पैर में लगता है, तो कोई बात नहीं, आप वुलन आसन भी यूज़ कर सकते हैं, ऊन का आसन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको स्फटिक की माला लेनी है, भगवान विष्णु जी के अर्चन के लिए तुलसी की माला होती है, शिव की उपासना के लिए रुद्राक्ष की माला होती है, इसी प्रकार से देवी उपासना के लिए स्फटिक की माला होती है। तो ओरिजिनल स्फटिक की माला आप इसमें यूज़ करिएगा। और आपका मंत्र जो रहेगा वो बहुत ही सिंपल मंत्र रहेगा, वो है मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, दैट्स इट। ये 9 अक्षर का मंत्र को आप नरवाण मंत्र भी कहते हैं। हम जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन अलग अलग देवी का होता है, और ये 9 अक्षर उन सभी देवी को बिलोंग करते हैं, उन सभी ग्रह को भी बिलोंग करते हैं। यदि हमारी कुंडली में यदि कोई दोष है तो ये जप करने से आपके उस ग्रह के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव होता है। सबसे पहले दिन आप लोग जप करेंगे ओम ऐम। ओम ऐम जो शब्द है वो ओम ऐम शब्द शैलपुत्री से कनेक्टेड हो है। ये देवी के निर्वाण मंत्र में रिम जो अक्षर है वो ब्रह्मचारिणी माता से कनेक्टेड है। उसके बाद में क्लीम जो शब्द है वो तीसरा दिन चंद्र घंटा देवी का दिन जो है उससे कनेक्टेड है। चौथा अक्षर यानी चा, चा अक्षर ये होता है कुष्मांडा देवी से कनेक्टेड। मू अक्षर वो होता है स्कंद माता से कनेक्टेड। उसी प्रकार से डा अक्षर जो है वो कात्यायनी देवी से कनेक्टेड है। यही अक्षर है जो कालरात्रि देवी से कनेक्टेड है। विम अक्षर है वो महागौरी से कनेक्टेड है। और चेई जो अक्षर है वो सिद्धदात्री से कनेक्टेड है। आपने देखा ये 9 अक्षर है, और शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक 9 माता हैं, 9 दुर्गा जिसे कहते हैं, और उसी के लिए नवरात्र का पर्व बनाया गया है। और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये जो 9 अक्षर जो मंत्र बनते हैं वो 9 अक्षर का मंत्र का जप आपको नित्य करना है। डेली आपको स्फटिक की 108 की माला आपको लेनी है, और स्फटिक की 108 माला से 108 मनके की माला से आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, दैट्स इट। सिर्फ इतने ही मंत्र का आपको जप करना है।
कुछ लोग इसके पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः शब्द का भी उच्चारण करते हैं, तो मैं वो कहूँगा वो झूठ है, वो नहीं करना है। सिर्फ इतना ही अक्षर है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, दैट्स इट। ये 9 अक्षर के जो मंत्र हैं, निर्वाण मंत्र का जप करना है। और पहला दिन जो आता है शैलपुत्री का, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शैलपुत्री के बारे में प्रस्तावना करूंगा। पहला दिन जो माला आप करेंगे, ये अक्षर की माला तो आप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे, लेकिन उसके पश्चात पहला जो स्वरूप है वो शैलपुत्री का स्वरूप है। और सूर्य ग्रह से कनेक्ट होने के कारण यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य दूषित है या सूर्य ग्रह की अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं होता है, तो आप इसके लिए और एक माला करेंगे, जो माला का मंत्र रहेगा ओम ह्रीं शिवायै नमः, दैट्स इट। ये आपको माला करनी है, ये पहले दिन का है। उसके पश्चात माता रानी को घी का भोग अर्पण करना है। पहले दिन माता रानी को हम घी का भोग अर्पण करेंगे, ये आप सब लोग आप जान लीजिएगा। उसी प्रकार से प्रतिदिन मैं आपको अलग अलग भोग, अलग अलग जप आपको देते रहूँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और बहुत बहुत शुभकामना आपको नवरात्र के लिए। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हो।